पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बीएन मीणा के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश में उनके महत्वाकांक्षा अभियान निजात का शुभारंभ लखीराम अग्रवाल स्मृति भवन में पुलिस महानिरीक्षक के मुख्य आतिथ्य एवं विशिष्ट अतिथियों के उपस्थिति में संपन्न हुआ। बता दें कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के जिले में पदभार संभालने के साथ ही जिले की पुलिस को नारकोटिक ड्रग्स एवं अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसका आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गौरव द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर मल्लार्पण कर राजकीय गीत गायन से किया गया। वही अतिथियों के स्वागत पश्चात राहुल देव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निजात अभियान के बारे में परिचय दिया गया। तत्पश्चात संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा निजात अभियान नशीले पदार्थों को ना जिंदगी को हाँ के उद्देश्य के बारे में बताते हुए भविष्य के रूपरेखा के बारे में अवगत कराया गया। जो अवैध शराब है, ड्रग्स, नारकोटिक्स है, उसके खिलाफ या कहा जाए तो पूरे अवैध नशे के खिलाफ एक निजात कार्यक्रम जी बिलासपुर पुलिस द्वारा किया गया। आज उसका आयोजन समारोह यहाँ रखा गया था, जिसमें आईजीपी बिलासपुर श्री बद्री मीणा सर और अन्य अतिथिगढ़ शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं के लोग इसमें जुड़े हैं। ये एक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें सभी लोग जो नशे के खिलाफ काम करते उनको जोड़ा जाए, और सबसे बड़ी बात ये एक एक्शन एंड अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें जीरो टॉलरेंस के तहत पूरे जिले में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें समाज के सभी लोगों, सभी वर्गों का हम लोग आप बिलासपुर पुलिस की तरफ से आह्वान करते हैं कि वो इस अभियान से जुड़े, क्योंकि नशा से अपराध तो घटित होता ही है, ये एक सामाजिक बुराई है जिसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तीसरा जो है इस अभियान का एक जो स्टेप है, जो लोग हाईली एडिक्टेड हमारे बच्चे युवा लोग हैं उनको हम लोग इस अभियान के माध्यम से उनका काउंसलिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिलाएंगे। एक तरह से आप देखें तो ये नशे, अवैध नशे के खिलाफ, एक संपूर्ण अभियान की तरह पूरे बिलासपुर पुलिस पे चलाया जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम सबके सहयोग से संभव है। अभियान भी है, इससे न केवल नशे के जो सौदागर हैं उनको एक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इसमें एडिक्ट हैं उनको भी सहायता की जाएगी कि उनको कैसे उस बुराई से दूर लाया जाए। ये काफ़ी सराहनीय पहल है, मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में न केवल अपराधों में, नशे से जुड़े जो अपराध हैं उनमें कमी आएगी और लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। धन्यवाद।